जय श्री कृष्णा। अगर आप अपने कर्मों को करते हैं अनदेखा तो अवश्य इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें भगवान श्री कृष्ण के ये 15 संदेश दिए थे। पहला, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। दूसरा, मैं सभी जीवों में विद्वान हूँ, मैं चींटी में भी विद्वान हूँ और हाथी में विद्वान हूँ। तीसरा, व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। और चौथा, मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि गम और खुशी सब मन का खेल है। पांचवा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। छठवा, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। सातवां, मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इसे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है। आठवां, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। नौवां है, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सामून और अविवेक उत्पन्न होता है। और दसवां है, अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। ग्यारहवां है, जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मर्द होने के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार है उस पर शोक मत करो। बारहवां है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यंग हो जाती है, जब बुद्धि व्यंग हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। और तेरहवां है, धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है उसके अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। और चौदहवां है, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। और पंद्रहवां है और लास्ट, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। राधे राधे।